हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से। सुबह से मैंने नहीं व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि आज थोड़ा मैं टायर्ड फील कर रही थी। कल पूरा दिन ना बाहर चलना वलना रहा, तो फिर मैंने दिन में कोई व्लॉग स्टार्ट नहीं किया। पर अब स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग के टाइम पर। और आज है नवरात्रि का तीसरा दिन, यानी माँ चंद्रघंटा का दिन। और ये वाली माता ना बहुत ज़्यादा सौम्य स्वभाव की होती हैं। आज के दिन जो फास्टिंग करते हैं ना, मतलब जो लोग नौ करते हैं वही आज के दिन करते हैं, ऐसा हम लोग के नॉर्थ इंडियन में है। तो आज के दिन का जो फास्ट है ना, आज के दिन माँ से कुछ भी मांगो तो ज़रूर पूरा होता है। और ये वाली माता ना पार्वती माँ का विवाहित रूप है, जो कि शिव जी की तरीके आधा चांद माथे पे सजाना स्टार्ट किया था, तो उस वजह से इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। और आज के दिन माँ से कुछ भी मांगो तो श्योरिटी रहती कि मिलना तो पक्का ही है। वैसे मैंने आज कुछ भी ऐसा कुछ मांगा नहीं। और आज क्या, मैं कभी भी ऐसे देवी पूजन या ऐसे कुछ पूजा जो होती है तो मैं मांगती नहीं हूँ। अच्छा, सोचती ज़रूर हूँ कि आपकी पूजा होगी तो ऐसा कुछ कहूँगी, ऐसा कुछ कहूँगी। जब मैं टेंपल जाती हूँ या फिर पूजा में होती हूँ ना, तो उस टाइम पे ना माइंड पे नहीं आता कि हाँ अच्छा ये मांग लेना चाहिए, अच्छा ये मांग लेना चाहिए। उस टाइम पे ना पूरा ध्यान बस पूजा पे रहता है और माँ पे रहता है। तो वैसे मोस्टली लोगों के संग ये होता होगा ना कि घर से सोच के जाओ ऐसा करेंगे, ऐसा माँ से बोलेंगे, ऐसा माँ से बोलेंगे, पर उस टाइम पे कुछ भी ध्यान नहीं रहता। सब लोग उसी में क्या बोलते हैं, रम बस जाते हैं। तो हाँ, ऐसा होता है मेरे साथ भी। और सच बोले तो कुछ मांगना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आपसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स को और आपकी जो आराध्य है उनको पता होता है कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। तो मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो आपका नसीब का है उसे आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और खाने की तैयारियां हो रही हैं फास्ट की। खाना यमी यमी, पता कितना भी पूरे साल अच्छा अच्छा खाना खा लो, लेकिन जो प्रसाद की बात होती है ना, वो किसी और खाने में तो होती ही नहीं है। तो मेरे साथ साथ ना मेरे सामने जो बच्चे रहते हैं ना, लवी पवी, उनको भी वेट रहता है, दीदी नवरात आ रहे हैं ना, अच्छा दिन नवरात में ये होगा। तो टेस्टी बनता भी है यार, कितना ज़्यादा यमी। और पता कितना एनर्जी हो जाती है ना इतनी सब चीज़ें बनाने की। तो या बहुत से लोगों का ये सोचना है ना कि नवरात्र के टाइम पे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो सही बात है, ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि आप जब व्रत रहते हो ना कि प्योरीफाई होती है और बहुत आपका इंसुलिन अच्छा रहता है, पर आप जैसे ही फूड करोगे इंसुलिन लेवल हाई होगा, तो ज़्यादा प्रेशर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। बट हाँ, आपका पौष्टिक आहार लेना बहुत ज़रूरी होता है। और ये सारी बातें तो साइंटिफिक हो गई, पर एग्जैक्टली बात ये है ना कि नौ दिन माता रानी घर पर आती हैं, तो आपकी सोच की वजह से उन्हें अच्छा अच्छा भोग क्यों ना लगाएं। नौ दिन के बाद माता रानी फिर अपने पर्वतों पे चली जाएंगी, मतलब रहती तो हम लोग के साथ ही हैं पर नवरात्र वाले नौ दिन। तो यस, हम लोग तो रेगुलर बनाते हैं कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा और माता को भोग भी लगाते हैं और वही प्रसाद हम लोग भी खाते हैं। तो प्रसाद में जो भी बनता है वही चीज़ें होती है, वो फलाहार ही होती है, कोई नमक नहीं होता, कोई अन्न नहीं होता। तो या अच्छे अच्छे खाना बनेगा, मैं भी शेयर करूँगी आपके साथ कि क्या क्या बना है। और मंदिर बहुत प्यारी सी है, नौ पे क्लिप ली थी पूजा के टाइम पे, तो मैं शेयर करूँगी, देखिएगा आप लोग भी। सो दोस्तों, मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ ना कुछ कुछ तैयारियाँ हो रही हैं, जैसे कि ड्राई फ्रूट कट हो रहा है और यहाँ भैया ना बहुत फाइन चॉप कर रहे हैं आलमंड को, क्योंकि ये पड़ेगा किसी चीज़ में। मैं सारी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहना। अगर चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। तो यहाँ पे आलमंड चॉप्ड हो रहे हैं और साबूदाना स्टोक्ड करके शाम को ही रख दिया गया था, क्योंकि इसका भी कुछ ना कुछ बनना है। Thank you.
सो फ्रेंड मखाना ड्राई रोस्ट कर लिया है विदाउट घी के, क्योंकि इसका यूज़ ना अभी आगे होगा। और आज बन रही है मखाने वाली खीर, तो इसमें चावल नहीं पड़ेगा, मखाने और थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल के बनती है ये। तो हमने जो मखाने रोस्ट किए थे वो डाल दिए, और चिरौंजी डाल दी, और बादाम जो मैंने कट किए थे ना वो डाल दिए। तो ये सब डाल के खीर बनेगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है व्रत में। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई कर सकते हो। इसे धीमी आंच में पकने दिया जाए ना तो मखाना बहुत सॉफ्ट हो जाता है, और बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। और हल्का शक्कर खाना व्रत के टाइम में आपको एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो अगर आप नहीं बनाते हो कुछ तो आप इसको भी बना के फलाहार में माँ का भोग लगा सकते हैं। और देखिए कितनी धीरे धीरे गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है, और बहुत ही ज़्यादा यमी लगती है। इसमें आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हो अगर आप व्रत में खाते हो तो। एक और हमारा नमक पीस के रेडी हो गया है, और अब लिया है एक बाउल में दही और उसे अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके सारे लम्स ना रहें, और थोड़ा पानी डाल के इसके थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लूज़ कर लेंगे, क्योंकि रायते में थोड़ा थिक अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ रायते बनना जा रहा है मखाने का। यस गाइस, इट्स द फर्स्ट टाइम, और ये बहुत ज़्यादा यमी लग रहा था। जो हम लोग ने मखाना रोस्ट किए थे ना वो उसका अंदर से क्रंचीनेस, ऊपर से सॉफ्ट फ्लेवर था, तो बहुत ही अच्छा था। और इसमें सारी चीज़ें डालेंगे, यानी हम लोग ने जो नमक पीसा है ना, जीरा और काली मिर्च का, वो नमक डाला है यहाँ पे। एक तरफ आप मूंगफली भून लेंगे, और यहाँ पे भी घी का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि व्रत के खाने में घी ऑलरेडी बहुत हो जाता है, तो जहाँ अवॉइड कर सकते हैं वहाँ अवॉइड करेंगे। फिर इसे पीस लिया है, और बहुत मतलब बारीक नहीं पीसा, हल्का दानेदार पीसा है, क्योंकि इसका कुछ ऐसे यूज़ होना ना कि इसका दानेदार होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ हमारा मूंगफली का पाउडर बन के रेडी हो गया है, और जो मूंगफली का पाउडर हम लोगों ने पीसा था ना उसे यहाँ पे आलू में डाल देंगे, और सारा पाउडर डाल देंगे, हल्का ये दानेदार है, और यहाँ डाल देंगे जो सोक्ड हम लोगों के साबूदाना थे ना, तो वो। तो हाँ दोस्तों, अब तक आप पहचान चुके होंगे कि क्या बनने जा रहा है। तो यहाँ बन रहे हैं साबूदाना के वड़े, और उसमें मूंगफली का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आता है, और ये ना सबको पसंद है, बड़े से लेके छोटे तक का सबको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि अंदर से स्मूथ होती है और ऊपर से हल्की क्रंची होती है, तो बहुत अच्छी लगती है। अब यहाँ पे अपने बेसिक स्पाइसेस डाल दिए, यानी कि धनिया और मिर्चा जो व्रत में खाए जाते हैं, और इन्हें अच्छे से मिला देंगे। और यहाँ पे भी डाला है सेंधा नमक, और ये इसके अच्छे से मिला मिला के एक सार कर लेंगे। Thank you.
और यहाँ हमारे साबूदाने की टिक्की मस्त क्रिस्पी और हल्की स्पाइसी बनके रेडी है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस दिख रही हैं ये और बहुत ही ज़्यादा यमी थी। और ये व्रत की फास्टिंग में मेरा मोस्ट फेवरेट चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। आप भी इस तरीके से बना के देखिएगा, आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। और अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैं भी इस तरीके से बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के। तो गाइस यहाँ हमारा 70% तक माँ का भोग रेडी हो चुका था। आज के दिन की जो माता थी ना उनको प्रसाद में खीर चढ़ती है तो इसलिए मम्मी ने खीर बनाई थी और ये साबूदाना की टिक्की बनी थी। सब लोग आने वाले हैं, आ गए सब लोग और हम लोग आज खाएंगे हम लोग की फेवरेट वाली चीज़। मैंने कैमरा कुछ ज़्यादा ही नीचे कर लिया, सिर्फ लवी दिख रही, मुझे तो ऐसे आना पड़ेगा, अभी भी दिख रही है, मुझे ऐसे आना पड़ेगा। हेलो, हाय गाइस, हाय गाइस, आप कैसे हो, आप ठीक ठाक हो? हाँ बता दो सब लोग लवी को, आप कैसे हो? और तुम कैसी हो तो बताओ। मैं एकदम अच्छी हूँ। गुड, मैं अच्छी हूँ। बस तुम अच्छी हो? अच्छी हूँ, अच्छी 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 अच्छी। गाइज अब आज हम लोग ना आज हम लोग चश्मा लगा के खाएंगे। आराम आराम, मैं ये लगाऊंगी। बताइए मेरे पर कैसा लग रहा है गाइज, लवी भी निकाल रही है कोई चश्मा। आज हम लोग धूप में गाओ, पहरी हो रही है, लो लो तुम लगा लो ये, पर खींच ना दान ना रही। ओम भो देखो लगे हटो बट बेटा, अभी देखो आज नैन्सी की न्यू स्पोर्ट लगी आई है। वैसे नहीं लग रही थी लेकिन कैमरे में ऐसे बैठी हुई शायद तभी शो हो ज्यादा हो रही ना, जैसे मेरी वाली थी ना वैसे ही इसने मंगाई है, नेट वाली और हमसे भी अच्छी वाली मंगवा ली। गाइस आपको चश्मा पहनना है तो आपको हमारी पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी। अगर आपको पहनना तो हमारे घर आइए और इसे पहनिए और इसे ले जाइए। नहीं भैया मारेगा, अपना खाया खाना, बिस्तर ना खाने में खाना। नहीं यार तुम लोग बहुत प्यारे लग रहे हो, इधर आ जाओ सुपम खाओ के। आओ यार, ये लोग ऊपर नहीं बैठने देते हैं, मेरा मन नहीं है नीचे बैठने का, मन ऊपर बैठने का। मैं रानी बनना चाहती हूँ, पर ये लोग रानी नहीं बनने दे रहे। नानी नहीं बेटा, रानी। यहाँ पे पारी हो रही है, हा 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 पार्टी हो रही है। बाय बाय, गुड नाइट, बाय सब्सक्राइबर्स, बाय बाय। एक लाख, इसको तो 1 लाख ही चाहिए, इसका इसका चैनल बनेगा तो 1 लाख से नीचे बात नहीं करेगी। हे गाइस, हम लोग का प्रसाद हम लोग ने खा लिया है सब लोग ने मिलके, और अभी जा रही हूँ वॉक करने थोड़ा सा, क्योंकि दिन भर घर पे थी तो सोचा थोड़ा वॉक कर आएंगी नीचे घर के नीचे तो अच्छा फील होगा। और आज बहुत प्यारा सा चांद निकला है पता। हाँ मैं बताना भूल गई आपको, हम लोग अभी शाम को जब गए थे ना ऐसे शॉप तक का, तो मैंने देखा बहुत प्यारा सा चांद निकला है, हाफ मून निकला है और उसके नीचे स्टार है, बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है। उसका फोटो भी मैं यहाँ पे लगाऊंगी ताकि आप देख पाओ, अभी मैं क्लिक करूँगी। तो बस जा रहे हैं ऐसे मून लाइट में थोड़ा थोड़ा वॉक करने, तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर। हेलो फ्रेंड, वॉकिंग वॉकिंग हो गई है, हम लोग आराम से ऊपर आ गए हैं और आज का ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल में पहली बार है
तो सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ कल के एक न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय फ्रेंड, जय माता दी।